एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फॉर्म फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। और फाइनली हमारा जो एग्ज़ाम वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है और अब तो वैक्सीन लिए भी 5 दिन हो गए और अभी ग्रीन सिग्नल ऑफकोर्स मिल रहा है राइड के लिए। तो हम राइड के लिए जाने ही वाले थे लेकिन हमारी बाइक में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया, मतलब वो इंजन में से कुछ आवाज़ आ रही है। तो पहले वो मेरे को दिखाना है सर्विस सेंटर में, तो वो अब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। लेकिन मैं उसको ऐसे लेके नहीं निकल सकती, वैसे भी बारिश का मौसम है तो अभी आज तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, हम कल सर्विस सेंटर में जाएंगे, उसको पहले सही करा लेंगे और 2-3 काम और पेंडिंग है तो वो पहले ख़त्म कर लेते हैं। मतलब एक तो जो हमारा नया हेलमेट है उसमें थोड़ी कारीगरी करानी है जो हम अपने हर हेलमेट में कराते, तो वो एक काम करना है। दूसरा काम आज है हमें रिवॉल्ट के शोरूम में जाना है जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके लिए। तो ठीक है यार, पहले निकल लेते हैं यहाँ से, काम तो अभी ख़त्म होंगे, बैठे बैठे तो होने वाले हैं। दिस इज द स्क्रैच जिसकी कहानी मैं आपको बताऊँगी बाद में, पर इसने दिल तोड़ दिया हमारा। और सिर्फ स्क्रैच ही नहीं हुआ, इस पर ध्यान अभी गया हमारा कि हमारा मिरर भी टूट चुका है। चलो ठीक है, थोड़ा दिल टूटा था, अभी और टूट गया। ओके, सो मतलब जा तो रहे हम अभी, और आज मेरे पास माइक नहीं है अपना, तो आई डोंट नो आवाज़ कैसे आएगी, और अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी। बट द मेन थिंग इज़ कि मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है वो यार, मतलब इतना गंदे से हुआ ना मेरे, एक तो ये स्क्रैच पड़ गया, ये स्क्रैच से ऊपर ज़्यादा ये मिरर टूट गया, मतलब दोनों के यार। छोड़ो यार, कुछ बोलना नहीं, आज आज सच में आज मूड बहुत डाउन हो गया मेरा। और आज हमने हमारे नए हेलमेट का उद्घाटन फाइनली कर दिया और मुझे लग रहा है ना इस कैमरे में थोड़ा सेटिंग प्रॉब्लम हो गया है। यस, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। सेटिंग प्रॉब्लम इन द सेंस कि मैंने जिस तरह से फिट किया है ना वो सही से व्यू नहीं दे रहा। वैसे अच्छा है, आज मेरा माइक नहीं है मेरे पास तो मुझे एक और एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मुझे पता चलेगा कि विदाउट माइक कैसे होता है रिकॉर्डिंग, वॉइस कैसा आता है, उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। क्योंकि मैंने आई थिंक कभी भी GoPro में ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया है, मेरे पास ऑलवेज माइक रहा है या इंटरनल माइक, अभी मेरे पास नहीं है तो देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक बाइक रिवॉल्ट इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, और मतलब अभी आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइजेस राइज हो रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक बाइक का नाम सुन के बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसा होता है कि ओके चलो फाइनली, जहाँ पर हमें पेट्रोल खर्च नहीं करना पड़ता। हमारे पास रिवॉल्ट आ चुका है, रिवॉल्ट RV 400, और ये वाला जो मोटर बाइक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है वो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हाँ, अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, मतलब इसमें ये इतना रिलीफ देता है। इसका जो बैटरी का चार्जिंग है जो 100% चार्ज होने में वक्त लगता है वो है 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 घंटे। बार रिवॉल्ट की बैटरी चार्ज करने पर ये 150 किलोमीटर तक चलता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप रिवॉल्ट चला रहे हो, भले ये इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है लेकिन यस, रिवॉल्ट अगर चलाना है तो यू नीड लाइसेंस, आपको लाइसेंस चाहिए हो। इसमें आपको गियरलेस लाइसेंस की ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज ये गियरलेस व्हीकल है, इसमें गियर नहीं। दूसरा कि इस बाइक का वेट 108 kg है, किसी को एज अ बिगिनर बाइक चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए या सिटी में राइड करने के लिए, उस तरह से अच्छा है। बट RV 400 स्टैंडर्ड का प्राइस 1.03 लाख और RV 400 प्रीमियम का प्राइस है 1.18 लाख। इलेक्ट्रिक बाइक अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन पेट्रोल वाले बाइक पेट्रोल वाला बाइक ही होता है।